सा ना भटके तो मैं उसको लाइन पे रख रहा हूँ। ये जो आपने, हाँ आपने जो बात कही थी वो सही है कि क्या होता है कि व्यक्ति को जैसे अधिकार मिलते हैं उसी तरह समुदाय को भी अधिकार मिलते हैं। समुदाय को अधिकार इसलिए मिलते हैं क्योंकि समुदाय संस्कृति को, एक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें होती है और माना जाता है संस्कृति हमारी वैल्यूएबल है, इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट आया और हमारी संस्कृतियों को बचाने के लिए और खासतौर से अल्पसंख्यक संस्कृतियों को बहुसंख्यक संस्कृति से बचाने के लिए ये मल्टीकल्चरलिज्म आर्टिकल 29 और 30 है हमारे पास। लेकिन मामला वहां पे आके फंस जाता है जब हमारे अपनी संस्कृति शोषककारी बन जाती है। क्यों शोषककारी बन जाती है? क्योंकि संस्कृति की जो व्याख्याकार है, जो बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो सारे मर्द हैं और मर्द में क्या पुरातनवादी है, कट्टरपंथी हैं, तो उनकी वजह से ऐसे कानून भी हम औरतों पर अप्लाई कर देते हैं, औरतों और बच्चों पर, जो उनको अप्लाई नहीं होना चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन उठता है कि क्या पर्सनल पॉलिटिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेकिन इस पे एक जो पेज फंस रही है, फैयाज भाई आपसे बात कर रहा हूँ कि जो इस पे पेज फंसेगी कि आदर्श किसको माना जाए, क्या हिंदू मैरिज एक्ट आदर्श है हमारे लिए? फिर अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ कमी है तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट की तरीके से हम अपना ले चीजों को, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में भी वो परफेक्ट नहीं, आज तक सुधार होता जा रहा है उसमें। और एक चीज और मैं जोड़ूंगा, हिंदू जी मैरिज देखिए इस एक्ट जो है, जी मैं पहले पूरी बात कर लूं, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या है, वो हिंदुओं का भी तो पर्सनल कानून है वो, क्योंकि भारत में तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। और फिर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट तो उनका पर्सनल कानून है, उसके लिए वो जो है उस पर कोई बात नहीं हो रही कि वो अपने पर्सनल कानून को बचाए हुए हैं। हम जब बात कर रहे हैं अपने पर्सनल कानून पे, तो फिर ये हो रहा कि तो अपने पर्सनल कानून, तो फिर क्या तुम तो हिंदू मैरिज नहीं नहीं अख्तियार कर? नहीं जी देखिए जी देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू माइनॉरिटी एडॉप्शन एक्ट है, ये सब जो है बहुत ही, इसको जो है बहुत सुधार किया गया है। आप समझिए मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के आगे की चीजें हैं ये, और अंबेडकर ने काफी इस पे काम किया था। तो ये आप कहते हैं कि वो चूंकि उसको सिर्फ फर्क करने के लिए उसका नाम हिंदू मैरिज रख दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल मॉडर्न कानून है और संविधान के हिसाब से है। आप देखेंगे हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं है, संविधान में आर्टिकल 25 बी और बी के भाग 2 में ये साफ डिफाइन किया गया है कि हिंदू कौन है। तो आप उसको मैं रोकूंगा जी भाई फयाद, मैं जी रोकूंगा, जी जी मैं इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये सवाल आ जाएंगे तो मैं, अच्छा मैं ही पूछूं, ठीक है ना? क्योंकि हाँ हाँ ठीक है, हाँ, अगर हिंदू मैं मैरिज उसका एक्ट, जवाब दूंगा जो आप जी जी आपने जो जी जी सवाल पूछा है मैं पूछ लूं कि हाँ बोलिए कि जी। हिंदू मैरिज एक्ट इतना प्रगतिशील होता तो भारत सरकार को स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों बनाना पड़ता? स्पेशल भाई मैरिज अब एक्ट को अलग से तो क्यों क्यों बनाया मैं गया? इसका जवाब देता हूँ। और देखिए ऐसा है दूसरी तो चीज, फिर एक चीज और, आप जी एक चीज और मैं बोल दूं। एक एक सवाल का जवाब लेना आप। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए ठीक है संविधान प्रगतिशील है कि नहीं आप ये बताइए। जी, बिल्कुल प्रगतिशील है। तो उसमें भी तो 50 बार आपने अमेंडमेंट कर दिया और अभी भी आप करते जा रहे हैं। हाँ तो नहीं, तो मैं तो देखिए आप क्या हिंदू उसको मैरिज एक्ट आदर्श मानते हो? में, देखिए नहीं मैं उस पर बात कर रहा हूं, उसमें जो कम से कम सुधार की गुंजाइश है और वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य जो मिताक्षरा जो वो उसकी व्याख्या है, जो उसका टीका लिखा गया है, इनसे आगे लिख के हिंदू समाज की यही यही सुंदरता है कि वो हमेशा प्रोग्रेस करता है और अपनी गलतियों में सुधार करता है। लेकिन आपका जो पर्सनल लॉ है वो अशराफवादी पर्सनल लॉ है, उसको अरब और ईरान की जो कबायली सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो उस वक्त के फुकहा जो थे, जो उस एरिया के थे, अरब के थे, ईरान के थे, उन्होंने जो अपने कल्चर और उसके हिसाब से जो इस्लाम में जो प्रदत्त अधिकार थे उसका इस्तेमाल करके जो कानून बनाया, वो आज भी हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारा उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जो है, फिक्र की किताबों से गवर्न होता है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से आगे की बातें। अंबेडकर ने इसके बड़ा काम किया था, इसको लेके वो इतने मुखर थे कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया और इसमें बाकायदा सुधार हो रहा है, तो उसको आदर्श मान लेना। और वो हिंदू उसका नाम फर्क देने के लिए किया गया, क्योंकि पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा था यहाँ पे इस देश के 1937 और फिर 39 में अमेंडमेंट के साथ। तो वो फर्क हो जाए तो उसको भारतीय न कह के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल न कह के उसको हिंदू कह दिया गया। और वो हिंदू मतलब हिंदू धर्म विशेष नहीं है, आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं तो ये धर्म विशेष है, ये पारसियों पे नहीं चलेगा, यहूदियों पे नहीं चलेगा, आप समझ अच्छा रहे हैं। मैं लेकिन जी जी मैं जब वो हिंदू कहते हैं तो वो जैन पे चलता है, बौद्ध पे चलता है, आर्य समाजी ब्रह्म समाज पे चलता है, वो ठीक किसी सर, एक धर्म विशेष की बात नहीं है। तो वो सिर्फ वो फर्क मैं करने के लिए किया गया। अब मैं आपकी बात बता, आदर्श है कि नहीं है। देखिए संविधान में धारा 44 जो कहती है कि
यूनिफॉर्मिटी हमको लाने की प्रयास करना चाहिए। देखिए कोई भी, जैसे आपने कहा कि भाई जो जना होता है या जो रेप होता है उसके लिए जो है सजाएं जो है इस्लाम के हिसाब से नहीं है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, या फिर जो है चोरी करने की सजा हाथ काटने के आप नहीं देते हैं, उसी तरह से जो पारिवारिक मामले हैं, शादी ब्याह है, संबंध विच्छेद है, और जो उसके मेंटेनेंस की बात है या फिर आगे एडॉप्टेशन की बात है, ये जो विरासत या उत्तराधिकार की जो बात है, उसमें भी जैसे संविधान सभा बनी थी और उसमें चर्चा हुई, और आगे आप देखेंगे कि उसी में ये हिंदू कोड बिल वगैरह भी चर्चा है, उसी तरह से पर्सनल लॉ को फिर से डिफाइन करके उस पर चर्चा हो और पसमांदा की समुचित भागीदारी हो, पसमांदा महिला की और खासतौर से महिला मौलानाओं की, हमारी पसमांदा और पुरुषों की उस तरह से भागीदारी को हमसे पूछा जाए कि हमें किस तरह का पर्सनल कानून चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान से ही अब तक जो भी स्थिति पसमांदा के देश में अच्छी हुई है वो संविधान की वजह से हुई, तो हमें संविधान ज्यादा प्यारा है, शरीयत हमें प्यारा नहीं है। ये एकदम सीधी सी बात समझ लेने की, शरिया मैन मेड है, आदमी इसको बदलता रहता है, तो हम इस शरीयत में बदलाव कर सकते हैं, और शरीयत इस्लाम, इस्लाम एक इतना अच्छा मजहब है कि उसने हमें ये दे रखा है, उर्फ का एक कॉन्सेप्ट है फिक्र में कि आप अपने सभ्यता संस्कृति कल्चर, जैसे आप संविधान में बात कर रहे हैं कि संविधान में भी आर्टिकल 15 और 14 में कहा कि आप अपने को बचा के रख सकते हैं अपनी भाषा को, आर्टिकल 25 में, उसी तरह इस्लाम में भी है कि उर्फ के तहत आप अपने सभ्यता संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये अशराफ उलमा मिसगाइड करता है, गलत इस्लाम की व्याख्या करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम पे, अल्लाह के रसूल पे सबसे ज्यादा जुल्म अशराफ उलमा ने किया है, ये इस्लाम के नाम पे अपना कानून चलाते, अपनी कबायली कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, अपना ईरानी और अरबी या तुर्की फारसी ये सब हमारे ऊपर लादे हुए, हमें ये कबूल नहीं है, हमें फिर से हम इसका चाहते, इस पे बहस हो, अगर कुछ भी पर्सनल लॉ पे आप देना चाहते तो हमारी सभ्यता संस्कृति के आधार पे दीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपने आदर्श की बात की, आदर्श कोई चीज नहीं होता है, संविधान पे बात होगी, उस पे एक बहस करके एक जी, यूनिफॉर्मिटी पे काम किया आपकी है। आपकी बात आ गई है, मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बैठ के बात की है क्या गलत है क्या सही है, एक नए तरीके से इसको डिफाइन किया गया, उसी तरह इसको डिफाइन किया जाए। मैं तो इससे एक जी सवाल पैदा हो रहा है, तो क्या वकार भाई से ही पूछता हूँ। वकार भाई ये बताइए, दो सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ। पहली बात ये वकार भाई कि क्या मुस्लिम मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या मुस्लिम मैरिज एक्ट लाने की जरूरत है, और दूसरी बात यह कि अगर कोई शरिया को मानता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो संविधान की इज्जत नहीं करता है। दोनों सवाल एक साथ मैं पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए पहले मैं दूसरे वाले का जवाब देता हूं कि जैसे इस संविधान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को जगह दिया है, जो अंग्रेजों के जमाने में 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो है एक कानून आया जिसको संविधान ने जगह दिया। संविधान ने हिंदुओं के भी अपने कानून थे उसको भी अलग से जगह दिया, और संविधान ने मुसलमानों के जो अपने कुछ कानून थे उनको भी जगह दिया है। तो एक पर्सनल लॉ को मानने का मतलब ही है कि आप संविधान को मान रहे हैं, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये आ जाए कि मुस्लिम मैरिज एक्ट या स्पेशल मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है समाज में जाकर के भी कि क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है शादियों में, क्या जो तलाक के कानून हैं उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। अब वो सुधार चाहते नहीं चाहते हैं, समाज में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, जैसा कि अभी बात हो रही थी हमसे पूछा जाए। जैसे मैं जो औरतों से मिला, जो अभी आपने कहा केएफसी के लिए जो है मुर्गियों जा रही थी उनके लिए, अभी एक डाटा आया है, वाइफ भी बता रही थी और मेरा पर्सनल डाटा है ये कि 75% मुस्लिम औरतें तलाक लेती हैं खुद से, जो हिंदुओं के यहां इस तरह का कल्चर नहीं है। अगर हमारी कमाई कम है तो हमारे यहां तलाक हो जाती है। मैं एक चीज यहां टोक दूं, ये जो डेटा है वो इसलिए ये डेटा है क्योंकि औरतों को खुला लेने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो शरीयत के जो ये बने इदारे बने हुए हैं उसमें अप्लाई करती है। मुस्लिम मर्दों को ये कोई रूल नहीं है, वो सीधे तलाक बोले निकल गए। अब मैं जिस शहर पे आता हूँ वहां पे मेरी बहनों के भी तलाक इसी तरह हुए हैं, और मेरे अपने मोहल्ले में 10 तलाक गिना दूंगा जो इसी तरीके से हुए। कोई डेटा उनका नहीं है, क्यों नहीं डेटा है, क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है उसके लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं जहां से मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं औरतों मर्दों दोनों का हामी हूं, तो मैं बीच का कह सकते हैं इस मामले में, कहीं
कभी मर्दों की हमदर्दी करता हूँ, कभी औरतों की, जहां जिस जरूरत होती है। मैं जिस जिले से रहने का रहने वाला हूं, वहां मेरे अपने नाती ने अपनी माँ से कहा, मेरी भांजी से, कि इसके पास कमाई नहीं है, क्यों नहीं इसे तलाक ले लेती तुम। तो इस तरह की चीजें हिंदुओं में नहीं है। तो कई बार गए, अच्छा नहीं लगा, झगड़ा वड़ा हुई, जाके कहा कि चार लोग इधर से है, चार लोग उधर से है, क्या तलाक दे दो। मेरे अपने कजन को पकड़ करके मार करके कहा तलाक दो, उन्हें तलाक दे दिया। तो देखिए कई बार समाज में सचमुच की क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है समाज, वो एक उसका एक सर्वे होना चाहिए। फिर उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या बदलाव चाहिए, ये दोनों तरफ से। क्योंकि देखिए इमोशनली जैसे हम लोगों ने उसका उसके खिलाफ काम किया, आयशा के हम लोग डायरेक्ट खिलाफ गए, आयशा के लिए पूरे देश में क्रांति हुई उसकी तरफदारी में, ठीक। तो ये एक चीज, एक ही चीज को दो अलग अलग एंगल से समझना पड़ता है। कई बार कोई कह रहा है कि आयशा की गलती है, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि सती प्रथा के खिलाफ कोई समाज में आंदोलन नहीं चलाता। बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने एक माहौल बनाने की कोशिश किया कि सती प्रथा गलत है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा था सती प्रथा को। मुझे बताइए जो चाइल्ड मैरिज है उसको आज भी मुस्लिम समाज जस्टिफाई करता है। सऊदी उदी में इसलिए चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई किया जाता है क्योंकि हजरत आयशा की उम्र बुखारी में लिखी गई कि वो 9 साल थी, और इसी आधार पर 2003 में भारत के मुस्लिम पर्सन लॉ ने ये कहा कि भारत में जो ये कानून है शारदा एक्ट है वो एंटी इस्लामिक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करे, क्योंकि वो औरत वो बच्ची समाज की नहीं है, वो इस राज्य की नहीं। यहाँ जहां से आप बात करें ये एकदम सही बात आप कर रहे हैं। इस्लामिक जो सिस्टम है, जो जहां तक मैं जान पाया हूं कि वहां बालिग की शादी होना चाहिए, जैसे 18 साल और 17.5 साल का जो फर्क है इसको समझिएगा जरा, 18 साल और 17.5 साल या 17 साल 11 महीना, ये जो हार्ड फास्ट रूल बना हुआ है इस पे भी एतराज हुआ है। लेकिन हाँ, कोई कोई अपने शादी करने के लिए हजरत आयशा की एज का जो है हवाला दे सकता है, लेकिन शादियों में बालिग का कॉन्सेप्ट है। अब बालिग होने का सबका अलग अलग है, पढ़ने वाले देर में बालिग होते हैं, नहीं पढ़ने वाले जल्दी बालिग हो जाते हैं। मैं तो सर आपको 15 साल के नीचे की औरतों का डेटा दे रहा हूं, और जो सऊदी में 12 साल की लड़की को पहली रात में वो मर गई, और उसके ऊपर जो है ये हुआ कि वो घरेलू मामला था, और फिर उस एमनेस्टी इंटरनेशनल आई मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। अभी इधर जो है हरियाणा या राजस्थान की तरफ 15 साल से कम न्यूनतम जो आयु है उस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लगा के वो लड़के जो है लव मैरिज करके शादी किए, तो 15-16 साल लड़की की उम्र थी। तो ये रिसेंटली अरब जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में चल रहा है ये, और ये बहुत गलत बात है कि आप पर्सनल लॉ इस्लाम की आड़ में छोटी बच्ची की शादी कर दे या छोटी बच्ची को लेके भाग जाए, इस बात को समझ भी नहीं पाती है। नहीं नहीं, ये सऊदी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ इंडिया में भी हो रहा है। देखिए सऊदी और इंडिया की बात में निकल, देखिए जो चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ सरकार हो समाज हो उसको खड़ा होना चाहिए और उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, वो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ रोके या कोई भी रोके। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जो नियत का सवाल होता है, जैसे अगर शारदा एक्ट का मामला है कहीं उसमें बहाना तलाश हो रहा है कि छोटी लड़कियों की शादी की जा रही है, तो उसकी रोकथाम हर हालत में होनी चाहिए, कानून बना के होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे एक चीज होता है कभी कभी कि पूरे दुनिया में जो कम उम्र की बच्चियां हैं उसके अलग से शौकीन लोग हैं, तो अंग्रेजों के अलग स्टाइल से उसको यूज करते हैं, अरब वाले उसमें धर्म की चाशनी लगा देते हैं। ये पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करना या उनसे रिलेशन बनाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, और सरकार का ये फर्ज बनता है कि इस तरह अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का बहाना लगा करके या शरीयत का बहाना लगा करके अगर औरतों के ऊपर कोई भी जुल्म हो रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। मैं इससे पूरी तरीके से इत्तफाक करता हूं और इसमें कहीं से हाँ कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इसकी आड़ में जैसे होता ना किसी धर्म को किसी समुदाय को स्पेशली जो निशाना बनाया जाता है,
ये ना किया जाए, जैसे हजरत आयशा की एज जो है, हमारे शिया भाई भी खूब उछालते हैं और बाकी हिंदू भाई भी जितना उछाल सकते हैं उछालते हैं, ठीक। तो ये जो एक निशाना बनाने का काम होता है ये नहीं होना चाहिए, इससे मुसलमानों में डर पैदा होता है। ठीक ठीक, मैं आपकी बात ले लिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये उछालने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि आपने रिफॉर्म नहीं किया। आप बोल के दिखाइए, जो कोई भी मदरसे वाला बोल के दिखाते कि बुखारी की ये हदीस गलत है, अभी तो आप जो आपके वो कुफ्र का फतवा आ जाएगा, मुर्तद हो जाएंगे। तो जब तक आप खुद नहीं रिफॉर्म करेंगे, आपका आपकी बात उछाली जाएगी या उछालना सही है। और क्यों अब